जिस कीड़े को लोग छूने से भी बचते हैं उसी का ये भाई साहब करते हैं व्यापार और कमाते हैं लाखों करोड़ों रुपए। मात्र 20 दिनों के प्रोसेस में सिर्फ पत्ते खाकर बन जाता है सोने का अंडा, फिर बेचा जाता है इसे की सबसे बड़ी मंडी में, जहां आता है हिंदुस्तान के हर कोने का व्यापारी। तो चलिए देखते हैं इस कमाल के प्रोसेस को। अंकल, ये कीड़े हैं, ये कीड़ों के साथ आप कर रहे हैं, ये थोड़ा सा बड़ा हमें देखने से अद्भुत सा प्रोसेस लग रहा है, ये क्या है? सोने का अंडा आता है इसमें, कीड़ा में, कीड़े से, सोने का अंडा कैसे बना सकते हैं? तो मामूली से कीड़े लग रहे हैं हमें, इससे कैसे बन सकता है सोने का अंडा? चलो प्रोसेस देखते हो, चलो चलिए दिखाइए इसका क्या प्रोसेस होता है। अच्छा पहले मुझे ये बताइए ये पत्ते किस चीज के हैं? मलबरी। हाँ ये मलबरी है दोस्तों, हमारी साइड में इसको सहतूत बोला जाता है। अच्छा ये पत्ते पे जैसे ये लिपटी हुई है यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो कीड़ा है ये इस पत्ते को पूरे को खा जाएगा? खा जाता है। अच्छा जैसे ये खा लिया, जैसे यहाँ तो पत्ते बचे हुए हैं और यहाँ अगर हम देखेंगे तो खत्म है बिल्कुल पत्ते, इसके बाद फिर दोबारा भी बदलते हैं? 3 दिन में बदलता है पूरा। फिर खाने के बाद क्या होता है, मतलब इसका प्रोसेसर क्या है? अंडा बनाता है, अंडा बनाता है। तो ये कितने दिन का प्रोसेस होता है? 20 दिन का। पूरा रेशम आता है अंदर से, ये लिपट जाता है, लिपट जाता है। अच्छा अच्छा, लिपट जाकर पूरा रेशम आता है। पत्ते खाने के बाद उनको आप यहाँ पे लेके आ जाते हो और फिर इसमें लगाते हो? एक बार दिखाइए कैसे, किस तरीके से काम होता है। अच्छा पत्ते अलग हटा दोगे? पत्ते अलग करना, खाली कीड़ा डालना होता है, कीड़ा बचेगा जो, कीड़ा बचा। ओके, एक एक कीड़ा ऐसा डालना। तो ये फिर ये कीड़ा लगभग कितने दिन तक चक्री में पड़ा रहता है? 4 दिन। 4 दिन में अंडा बनाता है। ये इस तरीके से अंडे बन जाते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये कुकून बन के तैयार है हमारा। जब ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ से एक एक करके इसको निकाल लिया जाता है, है ना? निकालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से निकाल के इसको एक एक को यहाँ पर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। इकट्ठा करने के बाद जो ये काम जो चल रहा है, ये क्या काम चल रहा है? वो घसड़ा है ना, वो खोल को ऐसा बनाता है। अच्छा क्लीन का मतलब साफ सफाई, ये इसमें से साफ सफाई का काम चल रहा है, जो ब्लैक ब्लैक मतलब कचरा एक तरीके से कह सकते हैं उसको हटा के बिल्कुल क्लीन जब ये हो जाता है तो ये इस तरीके से नजर आता है। दोस्तों हमारा हिंदुस्तान देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिल्क प्रोड्यूसर है, सबसे पहले नंबर पर चाइना आता है और दूसरे नंबर पर आता है हमारा देश हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान के भी कर्नाटक में सबसे बड़ा सिल्क मार्केट है कोकोन रामानगर सिल्क मार्केट। दोस्तों दूर तक आप अपनी नजर को लेके जाएंगे तो आपको वहां तक पूरा एक बहुत लंबा सा मार्केट नजर आएगा। दोस्तों यहां पर जितने भी आदमी आपको देखने को मिलेंगे सभी फोन में अपने व्यस्त नजर आएंगे। यहां पर क्या हो रहा है, जैसे आईपीएल में खिलाड़ियों की खरीदारी लगती है, बोली लगती है, इसी तरीके से यहां पर कुकून की बोली लगती है और स्क्रीन पर चल रहे नंबर डिसाइड करते हैं कि किसकी कितनी कीमत लगी हुई है। जैसे एक साइड में नंबर चल रहे हैं 710, 11, 12, 13 और दूसरी साइड में ये कीमत चल रही है। अब वो डिसाइड कैसे हो रही है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ इनको एक नंबर दिया होता है लोट का, जैसे ये है, ये देखिए 231। अब 231 की कितनी कीमत लगी वो हमारी स्क्रीन पर आई और जो खरीदार होते हैं वो ये कीमत लगाते हैं कि कौन सा कुकून कितने रुपए का मिला। भाई साहब हमारे जरा इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर, अभी ट्रेनिंग हो रहा है 2 मिनट। अरे तो भाई साहब तो लेके पूरा आईपैड लेके घूम रहे हैं यहाँ पर। ओके लोट नंबर डाल दिया है 728, कीमत जता दी है इसकी 433 रुपए। कितना खरीद लेंगे आप? 200 kg। और यहाँ और बहुत सारे भाई साहब हैं, अभी हम इनसे भी बातचीत करके देख लेते हैं जरा। कल कहाँ से आए हैं आप? हिंगुड़ी से। तो आपको मतलब पता कैसे चलता है कौन सा बढ़िया है कौन सा बेकार है? इसमें जो थिकनेस होता ना, ये एक अंडे में 200-300 मीटर रेशम रहता, ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा बढ़िया है कौन सा नहीं? ये लो। अच्छा ठीक है, दबाओ उसको, इसको दबाएं। ठीक है, दबाया दबाया। हाँ दब गया। हाँ अगर दब गया तो? अच्छा ठीक है, कम है। ओके ओके ओके, लो ये दबाओ। अच्छा ठीक है, ये दबाया, ये थोड़ा सा टाइट दब रहा है, वो हल्का दब रहा है, दब रहा ना। तो बढ़िया कौन सा? ये बढ़िया वाला। बढ़िया, ये बढ़िया है, इसका मतलब है ये नहीं दब रहा। हाँ, इसमें 1300 से 350 मीटर रेशम रहता, इसमें निकल जाएगा इतना, यानी कि जो टाइट दब रहा है वो बढ़िया है। और जो ऐसे ये तो है बेकार है, 800-900 मीटर इसमें रहता। ये है भाई साहब का हमारे का तजुर्बा। इसका 203। हाँ 203 है इसका, 203 लाट नंबर। मैंने एप्लीकेशन है कौन सी है, मार्केट? हाँ मार्केट एप्लीकेशन। अच्छा अच्छा, इसका 203, ये 203 आपने डाल दिया? हाँ डाल दिया। हाँ 111 रुपए भाव लगा हुआ है, भाव लगा हुआ है 111 रुपए किलो। और मैं इसको लगाता हूँ 170.4, 174 लोट नंबर, लाट नंबर। हाँ 300 रुपए। अच्छा जी 300 रुपए किलो की है इसकी कीमत? हाँ अभी इसकी कीमत 400 रुपए है। इसकी 400 रुपए है, अभी 100 रुपए है अभी। ये जैसे से आपने 300 लगा दिया, आप कोई और अगर 310 लगा लेगा तो वो ले जाएगा, और फिर आप 320 लगा देंगे तो आप ले जाएंगे, ले जाएंगे। ये तो लास्ट मिनट में बिल्कुल डिसाइड होता होगा कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। एक मिनट में 10:22 हो रही है, 22 मिनट, अभी 8 मिनट है। अच्छा 10:30 इसमें इतना लाट है ना, समझो 350 लाट है, 400 लाट है, इसमें जो भी क्वालिटी होगा मेरे को पसंद आएगा तो डालता हूँ। जैसे हमारे भाई साहब हैं यहाँ पर, ये बिड लगा रहे हैं, जैसे इन्होंने 80 नंबर इस पे लोट का डाल दिया, अब इसकी कीमत क्या डिसाइड करी है भाई साहब आपने? अभी टाइम है ना, अब इसके बाद मारता है सब, लास्ट में, लास्ट मिनट का खेल है ये। एक सेकंड का खेल है ये। वाह, तो आप खरीदना आया कि बेचना है? मैं मूटेड होता है, देखना है बस, यहाँ मजे लेने आए हैं क्या? अच्छा अच्छा, 10:30 बज चुके हैं दोस्तों और खरीदारी यहाँ पर डन हो चुकी है, बिड डन हो चुकी है। दूसरा स्लॉट जो चालू होगा वो होगा 11 बजे। हमारे साथ चचा, चचा अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है?
ये ऐसे पकड़ो, नाम बता दो अपना। हबीबुल्ला। हबीबुल्ला, तो हबीबुल साहब ये बताइए, आपने कुछ खरीदा या बेचा आज? लिया हुआ है। लिया हुआ? खरीदना है? खरीदा हुआ। तो क्या कीमत लगाई आपने? 462 रुपया। 462 रुपए किलो ये मिला आपको? कितना खरीद लिया अभी? 1 लाख हुआ परचेजिंग। 1 लाख? 1 लाख। एक लॉट। ओके, आपने कितना केजी खरीदा? रोजाना 100 किलो खरीदता। आप रोजाना 100? आप 100 खरीद चुके हैं? हाँ, 100। तो आप तो अब चले जाएंगे, आप निकल जाएंगे। ओके। और दोस्तों, जब जो कोई बिट जीत जाता है, जब खरीद लेता है, तो वो इस तरीके से अपने माल को गाड़ी में लोड करके बाहर की तरफ ले जाता है और अपना जो है खरीदार कंप्लीट हो जाती है। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।